हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले हमें एक कढ़ाई में तेल डाल के उसे गर्म कर लेना है और उसमें 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स डालने हैं और उसको अच्छे तरीके से 2 मिनट तक या 1 मिनट तक पकाना है। जब वो हल्के ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हमें इसमें प्याज डालना है। अनियंस को डालने के बाद इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें ओरेगैनो डालेंगे। ओरेगैनो डालने के बाद हमें इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डालने हैं और उसके बाद हम इसमें अपना टमाटर ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमें इसमें नमक डालना है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि ओरेगैनो में भी नमक होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करिए। हाँ, ये बात याद रखिए कि टमाटर डालने के बाद तुरंत नमक ऐड करने से वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, टमाटर हल्के पकने लगे हैं और इसी स्टेज पे हमें इसमें शुगर ऐड करनी है। आप 1/2 टीस्पून शुगर ऐड करिए और उसके बाद हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। हमें इसमें 2 टीस्पून टमाटो केचप ऐड करना है और फिर से इसे ढक के हम एकदम लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए, यहाँ टमाटर बिल्कुल पक चुके हैं, गले गले से लग रहे हैं। इसी स्टेज पे हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही ये ठंडा हो जाए, इसे ब्लेंडर में हम अच्छे तरीके से ब्लेंड करके ये थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे और ये हमारा पीस सॉस बन के तैयार।